आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज़ और मैं हूँ राशिद अली। जी हाँ, मुजफ्फरपुर जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृह में क्या होता है नाबालिग बच्चियों के साथ, ये आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर 42 बच्चियों में से 34 बच्चियों के साथ किस तरह से उनकी इज्जत लूटी जाती है, दुष्कर्म किया जाता है, कई बार किया जाता है और वो भी नामी लोगों द्वारा, जो भी एनजीओ के मालिक हैं और एक नेता का नाम ब्रजेश ठाकुर जो कि सामने आता है। और इस मामले में कहीं ना कहीं ये मामला कितना तूल पकड़ लेता है, और जाहिर सी बात है कि अगर एक राज्य में और एक बालिका गृह में जो कि बेहतर माहौल देने के लिए किया जाता है, महिलाओं बच्चों को बेहतर माहौल मिले और उस माहौल में उनका जीना कितना दुश्वार हो जाता है और उसके बाद राजनीति कैसे गर्माती है, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ, नीतीश कुमार को अगर शर्म आ रही है तो दोषियों पर जल्द कार्रवाई करें, ये राहुल गांधी ने कहा है दिल्ली में, दिल्ली के जंतर मंतर पर। बिहार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जो कि कल आए और तमाम नेताओं का उन्हें समर्थन मिला, साथ मिला और नीतीश सरकार पर हमला बोला। हालांकि मैं आपको बता दूं, दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए नीतीश सरकार पहले ही कह चुकी है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर यहाँ क्या क्या हुआ, क्या क्या नेताओं ने अपनी बातें रखी। बिहार में हुए मुजफ्फरपुर रेप कांड और नीतीश सरकार के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर तेजस्वी यादव ने धरने का कार्यक्रम आयोजित किया। यहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में बच्चों के कथित यौन शोषण को लेकर बीजेपी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और कहा कि यदि नीतीश को शर्म आ रही है तो वह दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करे। मुजफ्फरपुर मामले को लेकर जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल हुए गांधी ने कहा, आज अत्यंत दुख की घड़ी है, आज हम सिर्फ उन 40 बेटियों की ही नहीं बल्कि देश की प्रत्येक महिला सुरक्षा के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि देश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया है कि हर वर्ग पर हमला हो रहा है, मीडिया के साथियों को धमकाया जा रहा है, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, कांग्रेस उनके साथ है। तो वहीं अगर मैं बात बताऊं तो राहुल गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार को शर्म आ रही है तो दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करें। उन्होंने कहा देश में एक तरफ बीजेपी आरएसएस है, और जगह देश में एक तरफ बीजेपी आरएसएस है तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो देश की साझा संस्कृति को बचाने के लिए खड़ा हो गया है। गांधी के संबोधन के बाद मुजफ्फरपुर में एक बच्ची की कथित हत्या को लेकर एक मिनट का मौन भी रखा गया। तो वहीं मैं आपको बता दूं, इसमें नीतीश के खिलाफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जो कि उन्होंने आते तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, केजरीवाल, सीएम केजरीवाल हैं और सीताराम येचुरी वगैरह और भी नेता इसमें शामिल हुए और उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बात रखी कि आखिर किस तरह से बिहार में एक बालिका गृह में रेप कांड होता है और उसके बाद बच्चों का यौन शोषण होता है और वहाँ की सरकार पर उंगली उठाई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सीएम नीतीश कुमार ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए खास रिपोर्ट कि भाई जिसके बारे में नारी सशक्तिकरण के बारे में सोचते हैं उस दिशा में यह भी एक ठोस और कारगर कदम है, और दूसरी तरफ अगर कहीं महिलाएं कुछ शिकार हो गई तो उसकी इतनी पीड़ा मन में होती है। इस दोनों के बीच से गुजरते हुए आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबको बधाई देता हूं और यही मैं सबसे आग्रह करूंगा कि भाई समाज में सुधार के लिए सबको एकजुट होकर काम करते रहना पड़ेगा, इसके सिवा समाज सुधर नहीं सकता है। क्योंकि आप जानते हैं व्यक्तियों का, कई लोगों का स्वभाव इतना विकृत होता है, ऐसे विकृत स्वभाव वाले होते हैं कुछ भी कर सकते हैं, अनर्थ कर सकते हैं, कोई धनोपार्जन के लिए करता है, हाथ में ताकत मिलती है तो पैसा बनाने लगता है, किसी को शक्ति मिले उसका दुरुपयोग करता है पैसा बनाने। और बहुत लोग होते हैं जो जिनका चरित्र इतना खराब है कि वो इस तरह की बात करते काम करते हैं, घृणित काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में पूरे समाज को सचेत रहना पड़ेगा और पूरे समाज को सजग रहना पड़ेगा। मैं इतना ही कहूंगा कि मैं जब तक हूं मैं समाज सुधार के लिए अपना काम करते रहूंगा, और अगर सरकार में हूं तो मैं निश्चित रूप से बिल्कुल कानून का राज होगा और किसी तरह का समझौता नहीं होगा, और कोई भी अधिक अपराधी है उसको
बिल्कुल कानून की अदालत में हम लोग खड़े करते रहेंगे ताकि उसको ऐसी सजा मिले कि इसका असर समाज पर पड़े और ऐसा काम करने से लोग बचने की कोशिश करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए और तीनों विभाग को, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग को मैं आज बधाई देता हूं। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि इतनी बड़ी योजना हम लोगों ने फिर शुरू की है तो इसका क्रियान्वयन बहुत ही पारदर्शी और अच्छे ढंग से होना चाहिए ताकि इसके लाभार्थियों को कोई कष्ट नहीं उठाना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, इन्होंने आज के इस अवसर पर अपने महत्वपूर्ण विचार साथ ही साथ अपना मार्गदर्शन आशीर्वाद दिया। तो देखा आपने कि किस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और बोला जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई। तो वहीं मैं बता दूं आपको, इस धरने में जो कि लेफ्ट के डी राजा सहित शरद यादव, आप नेता संजय सिंह, सोमनाथ भारती, डीएमके के एलांगविन, इंडियन नेशनल लोकदल के दुष्यंत चौटाला भी शामिल थे। इसके अलावा दिल्ली के सीएम केजरीवाल मुख्य रूप से, उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को भी इशारों में निशाना साधा। मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि 40 बेटियों के साथ न्याय नहीं हुआ है, न्याय दिलाने के लिए हम एक साथ यहां आए हैं। निर्भया के साथ गलत काम हुआ था तो यूपीए का सिंहासन हिल गया था और यहां तो 40 निर्भयाओं के साथ गलत काम हुआ है, इसलिए बीजेपी के सिंहासन को 40 बार हिला देना होगा। तो देखना है कि आखिर ये सिंहासन कब हिलेगा और कितनी जल्दी हिलेगा और इसका क्या असर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।